अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद हमानिया सहर। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है, इसमें मैं बना रही हूँ ओजरी, बल्कि बना नहीं रही, बनवा रही हूँ ओजरी, जो कि शूट मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमने ली थी ओजरी, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब ओजरी थी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद मैं हमारे हप्पी ने इसको अच्छे से कटिंग किया और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। उनको उनको बनानी आती है, वही बनाती है। ना मुझे पसंद है, ना मैं खाती हूँ, ना मुझे कोई शौक है, बट मेरे हस्बैंड लाए थे तो उनको शौक था, तो मैं ये बनवा रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने ना इसको पहले सादा पानी में इसको एक दफ़ा बॉईल करके निकाला, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से वॉश किया, फिर अगेन इसमें पानी ऐड किया और इसको दालचीनी बड़ी इलायची डाल के ना इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया और इसको दोबारा से बॉईल किया। जब इसके ऊपर झाग सी आ गई तो इसको फिर एक दफ़ा पानी से निकाल कर इसका पानी सारा निकाल दिया, ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसको मलमल के अच्छे से उन्होंने वॉश किया था यहाँ पर। इसके बाद अगेन इन्होंने पानी रखा, जब पानी एक जग था पानी का तकरीबन, जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें इन्होंने वो जो ओजरी इन्होंने साफ़ की थी तो वो इसमें सारी ओजरी ऐड कर दी। इसके बाद इन्होंने इसमें डाले टमाटर और प्याज का कटिंग किया हुआ, प्याज कटिंग किया हुआ टमाटर थे 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन अदरक और सॉरी चिली ग्रीन चिली का पेस्ट था वो तकरीबन 2-2 टेबल स्पून डाले, और 2 से 3 जो थी ना लहसुन के वो डाले छील के। 1.5 टेबल स्पून इन्होंने हल्दी ऐड की और नमक के तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब थे जो इन्होंने डाले। और इसके बाद इसमें इन्होंने रेड चिली पाउडर डाले तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच, ठीक है। वो डाल के सब कुछ डालने के बाद इन्होंने इसको ना तकरीबन ऐसे मिक्स करके ना पकने के लिए रख दिया। जब ये पकने लग गया ना, बॉयल आने शुरू हो गया, तो फिर इसको इन्होंने ढांप दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और जैसे ही ये गल गया तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद, तो इसके बाद पानी खुश्क हुआ था, इन्होंने डाल दिया एक बॉल दही का। दही को डालने के बाद इन्होंने दही को अच्छे से मिक्स किया यहाँ पर, इसको पकने के लिए रख दिया और बाद में इसको इन्होंने भून लिया। और खैर ये सब बता रही थी कि बहुत मज़े की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।